जूते वगैरह, इतनी ज्यादा गर्मी है लेकिन जूते भी नहीं है इनके। देखें इनका, देखें इसकी जो हाँ कमीज दिखाओ, अम्मा अपना कपड़ा दिखाओ कहाँ पर। हाँ ये देखें अम्मा कपड़े भी फटे, हाँ ये देखें अम्मा कपड़े भी फटे हुए हैं। देखें आपका अपने अपने कपड़े देखो कहाँ पर फटे हुए हैं। ये देखें भाई इनके कपड़े देखें किस तरीके से फटे पड़े हैं। हेलो गाइज, राम राम एंड जय श्री राम फ्रेंड, कैसे आप? मैं हूँ राहुल लाठर, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राहुल लाठर ब्लॉग। तो गाइज आज हम दिखाने जा रहे हैं पाकिस्तानी हिंदू विलेज, जो कि आज से बहुत ज़्यादा पुराना ओल्ड विलेज है। यहाँ पर सभी के मैंने घर, पक्के घर मैंने देखे ही ना, कच्चे घर ही है। यहाँ पर मंदिर देखे ना, मंदिर भी कच्चे बने हुए हैं। मैं और मक्खन भाई और माहिर भाई आ चुके हैं घूम फिर के यहाँ पर। अभी यहाँ से आपको विलेज दिखाते हैं, हिंदुओं का विलेज, कच्चा विलेज और कच्चा ही मंदिर है। और यहाँ पर हमने आज बहुत ज़्यादा हेल्प करनी है हिंदुओं भाइयों की, ताकि हमारा जो मंदिर है वो पक्का बन सके। और यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो हमारा भाई जो एक भाई को कहीं किसी को बुलाते हैं, हम जो हम पूरा विलेज घुमाएं और कच्चा हिंदू विलेज दिखाते हैं और यहाँ पर मंदिर भी दिखाते हैं। और आप लोगों को सपोर्ट बहुत ज़्यादा करने, क्योंकि गर्मी के अंदर हम ये व्लॉग बना रहे हैं। तो अभी यहाँ पर चल के भाई, क्योंकि बैकवर्ड इलाका है, इनको टेम्पल का भी नहीं पता तो क्या होता है, तो जानते हैं चल के मंदिर का बताया तो फिर कहते हैं हाँ मंदिर है। तो चलते हैं मंदिर के अंदर, विलेज के अंदर, और मंदिर भी आपको दिखाते हैं कहाँ से जाना है, रास्ता कहाँ से है। तो गाइस ये देखें कि कुछ हमारे हिंदू भाई आ चुके हैं। ये देखें आपका क्या नाम है? रांझा जी। रांझा जी, तो गाइस ये देख सकते हैं बच्चे सभी आए हुए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक अम्मा भी खड़ी हुई है, गरीब है बहुत ज़्यादा। और ये देखें ये घर है, ये देखें। और बच्चे तो हाल की ही पड़ी पड़े। कौन सी आपकी साल है? आप दिखाओ ना इधर आ गए आपको। तो ये अम्मा देख सकते हैं हमारी हिंदू अम्मा है। और ये इनका क्या है आपका? तो गाइस देखें अम्मा का घर भी, ये देखें इसकी कुछ छत ही को नहीं मार, इसकी छत भी नहीं है। देखें कच्चा सा कमरा बनाया इनका बच्चा है। हाँ ये देखें, तो इनकी बहुत ज्यादा हेल्प करनी है। यहाँ कितने ये लोग पीछे हैं, मतलब कि अभी देखा मुझे कैसे कोई बना दो ने कोई। चलो अल्लाह करे कोई बच्चा दिया तो ना कोई ने कोई अरे भैया आ जाओ मेहरबानी करा देखो। कर रहा हूं मेहरबानी। बच्चा ने ले बैठा। हां ये देखें गाइस, ये बच्चों के कपड़े वगैरह भी देख सकते हैं आप, जूते वगैरह। इतनी ज्यादा गर्मी है लेकिन जूते भी नहीं है इनके। देखें इनका, देखें इसकी जो चौड़ाई फट रहा है। हां कमीज दिखाओ, अम्मा अपना कपड़ा दिखाओ। हाँ ये देखें अम्मा कपड़े भी फटे हुए हैं। ये देखें अम्मा कपड़े भी फटे हुए हैं। देखें आपका अपने अपने कपड़े देखो कहाँ पर फटे हुए हैं। ये देखें भाई इनके कपड़े देखें किस तरीके से फटे पड़े हैं। तो हाँ इनका गाइस देखें कि क्या हाल है हमारे हिंदू भाइयों का। यहाँ पर कपड़े तक भी फटे हुए हैं यहाँ पर देख सकते हैं आप। और अभी जो ना हमने आपको दिखाना है वो है मंदिर और इनका विलेज, कि यार क्या कंडीशन हमारे हिंदुओं की पाकिस्तान के अंदर। जितनी हो सके उतनी इस वीडियो को वायरल करें, ताकि हमारे हिंदू जो है वो जगह जगह पर पता चल जाए कि हमारे हिंदुओं का ये कंडीशन पड़ी हुई पड़ी है। और यहाँ पर देखें कि छाँव के, तो गाइस ये देखें विलेज। और अभी आपको दिखाते हैं ऊपर से जिसके अंदर बैठते हैं ना, ये देखें कि उसके अंदर छाँव वगैरह किस तरीके से तरपाल वगैरह लगाया हुआ है। ये देखें, तो ये देखें यह है मंदिर। ये देखें बाहर से कच्चा मंदिर बनाया हुआ है। ये देखें मक्खन भाई ने फाइनली इसकी वीडियो बना दी। तो ये देखें गाइस नलका देख सकते हैं, पानी वाला नलका, ये इस तरीके से कुछ नलका होता है। ये देखें, और इसका पानी मीठा है या कौड़ा है? बहुत कौड़ा है। हाँ गाइस, तो पानी पीते कहाँ से हो? कहाँ से भर के आते हैं? तो गाइस बहुत ज्यादा दूर से पानी लेकर आते हैं। इनका जो नलका है ना पानी, वो भी बहुत ज्यादा खारा है, कौड़ा पानी है, यानी कि जो पानी ना पीने वाला नहीं है। तो इन्होंने घर में लगाया हुआ, ये देखें नलका। मक्खन भाई पैर भी धो रहे हैं अपने, और पानी दूर से लेकर आते हैं ये। अच्छा क्या हुआ था वो आप बोल रहे थे कि वो 12 बजे कच्ची काम हुआ, पर वो काम करने लगी ना थोड़ी सी गिरने वाली थी। हाँ। वो गिर गई, बच्ची के ऊपर गिर गई। हाँ बच्ची के ऊपर गिर गई, कच्ची तो हो गई थी बच्ची। बच्ची फिर 2-3 लाख रुपए लगाया, फिर भी नहीं बची। तो गाइस कच्चे घर होने के बावजूद ना इनके जो बच्चे थे दीवारों के नीचे आ गए थे, ऐसे ही ना कच्चे घर होने के वजह से नुकसान। जितना पॉसिबल हो सका गरीब इंसान से उतने लगाए, पर शायद भगवान की तरफ से उनके जो गरीब लोग महंगाई बहुत ज्यादा।
ये जो कोई गरीब को इमदाद करे जाओगे तो बहुत बहुत शुक्रिया होगा। हाँ, नाम क्या है आपका? नूतन जी। बस्ती का नाम भी बता दो। उर्मी। बस्ती का नाम क्या है? बहुत महंगाई है यार। तो गाइस देखा आपने कि किस तरीके से भाइयों का ना यहाँ पर बुरा हाल है, और कच्ची दीवारें घर हैं, और इनके बच्चे जो दीवारों के नीचे आकर ना बच्चे जो उनकी डेथ हो रही है, बच्चों की कच्चे घर होने के बावजूद। और हमारे हिंदू विलेज है तो यहाँ पर बच्चों की कंडीशन दे दी, ना उनको स्कूल है, ना पानी है, ना कुछ तलीम वगैरह उनको मिलती है। उनका घर देखें और विलेज देखें, बहुत ज़्यादा दुख हुआ। और कमेंट में आप लोगों को ज़रूर बताना है। ये देखें, चलिए यार चलो यहाँ से आपको विलेज दिखाते हैं। क्या छप रहे हो? तो ये घर देखें, कच्चे घर हैं यहाँ पर देखें, ये देखें दीवारें वगैरह, और इतनी ज़्यादा टेम्परेचर है कि मोबाइल भी टेम्परेचर से भरा पड़ा। बच्चे देखें, ये बच्चों के हाल देखें। क्या नाम है आपका? तीरथ। तो गाइस देखते हैं बच्चे। आपका क्या नाम है? मुकेश। आपका? हरीला। हरीला। आपका? स्कूल वगैरह नहीं जाते? जाते हैं। वाह भाई वाह, ये देखते हैं ये हमारे हिंदू भाई हैं, ये देखें। बोलो राम राम, क्या जय राम राम कहीं था। ये दीवारें देख सकते हैं अभी, ये देखें। तो गाइस ये इनका घर है, ये देखें, इसके अंदर पानी वगैरह पीते हैं। तो गाइस ये थी कुछ हिंदू विलेज की कंडीशन। तो अभी फाइनली हम जा रहे हैं आगे की तरफ। तो आज का व्लॉग जो हमारा हिंदू टॉपिक पर व्लॉग था, आज का व्लॉग यहीं पर दी एंड करते हैं। सुबह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त हमको, बहुत ज़्यादा गर्मी मेहनत कर रहे हैं।